चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। बादलों के कारण तापमान बढ़ा है सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा। 18.4 डिग्री पर तापमान पहुंचा है। एक महीने बाद रात का सबसे ज्यादा तापमान। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया, बादल छटते ही ठंड बढ़ेगी। तो अभी बादलों के कारण तापमान बढ़ा है, लेकिन जैसे ये बादल छटेंगे तो ठंड बढ़ जाएगी। अभी जो तापमान है सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा, 18.4 डिग्री पर तापमान ये पहुंचा है। एक महीने बाद रात का सबसे ज्यादा ये तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जब बादल छटेंगे तो ठंड बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अंकुर जी का। अंकुर जी, बादलों के कारण तापमान जो है बढ़ा है, सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है तापमान, लेकिन जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बादल जैसे ही छटेंगे उसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार मौसम करवट ले रहा है। नवंबर वाला लगभग खत्म पर है और निश्चित तौर पर जो तापमान की स्थिति है बढ़ रहा है, घट रहा है। अभी फिलहाल जो स्थिति है वह तापमान जो है वह 4 डिग्री बढ़ा है, 18.4 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। एक महीने बाद रात का सबसे ज्यादा तापमान है शहर में। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी बादल छाए रहे, इस कारण रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रहा है। एक महीने बाद सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले 20 अक्टूबर को रात तापमान से जाना 20.2 डिग्री दर्ज किया गया था। निश्चित तौर पर मौसम विज्ञानियों का यह कहना है कि जैसे ही बादल छटेंगे तो फिर से तेज ठंड पड़ सकती है। निश्चित तौर पर नवंबर खत्म है, दिसंबर कम आया है, दिसंबर जनवरी में ही तेज ठंड पड़ती है। तो इस समय बस कह सकते हैं कि जल्दी जैसे ही बादल छटेंगे तो तापमान कह सकते हैं घटने की आशंका है और तेज ठंड पड़ सकती है। जी अंकुर जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मौसम में जो उतार चढ़ाव बना हुआ था, अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब बादल छट जाएंगे तो ठंड बढ़ जाएगी, तो उतार चढ़ाव जो था वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। और जिस प्रकार से हालांकि दिसंबर आने वाला है तो जाहिर सी बात है दिसंबर महीने में ठंड पड़ती है, और इसी के साथ जब नवंबर का आखिरी दौर चल रहा है तो जो उतार चढ़ाव है वो थमेगा और इसके बाद जैसे ही बादल छटेंगे तो ठंड बढ़ेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।